सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और गाइस, आज हम लोग निकलने वाले हैं कचौसा शरीफ। ये इमरान भाई हैं और ये हमारा छोटा भांजा है। तो गाइस अभी निकलेंगे और सैफ भी हमारे साथ है। अभी दिखाते हैं सैफ किधर है। ये गाइस अभी दिखाते हैं सैफ किधर है। सैफ ब्रो, तो गाइस ये है सैफ, अभी रेडी हो रहा है। अभी गाइज हम लोग रेडी होकर निकलेंगे जस्ट। और हमारे साथ सैफ का दोस्त है नौशाद भाई। और गाइज इधर नौशाद भाई काफ़ी परेशान है अपने मोबाइल को लेकर के। ये बोर्ड है, इसमें लगाया था लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है। फिर वहाँ लगाया, वहाँ भी चार्ज नहीं हो रहा है। हालांकि पसेंजर का जो स्थिति है थोड़ा सा हटो यार। नौशाद भाई तब फ़ोन चार्ज नहीं हुआ? नहीं, चार्ज नहीं हुआ। क्या करें, ये हमारी सरकार की जो है देन है। जानता है कि पैसेंजर में जो है कि यात्री कैसे यात्रा करते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, पैसेंजर का हालत ही वैसी बात जो है वो अच्छा ही है। सही है, सरकार इतनी खाली खाली सीटें में क्या चाहिए। देख रहे ना गाइस, काफी खाली सीटें है, कोई पब्लिक नहीं है, बस हम ही तीन लोग हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले खाने के लिए कुछ लेते हैं। यहाँ पे चिप्स वगैरह ये खाने के लिए, तो चलिए लेते हैं। जो लेना है लो ना, क्या दिक्कत है। तो चलिए गाइस, फाइनली आ चुके हम लोग ट्रेन के अंदर। और आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब खड़े होके ही जाना पड़ेगा अब तो। तो फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं आजमगढ़ स्टेशन और रात के 12 बज रहे हैं। नौशाद भाई दिख नहीं रहे, काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है। और कैमरा क्वालिटी की क्या ही बात है, जो कि बीच बीच में गायब हो जा रहा है, ढूंढना जरूरी है। और सैफ पता नहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी आ रहा। और ये आजमगढ़ सिटी है। ये गाइस कुछ काले पीले लौंडे आप देख रहे हैं, रात के 12 बजे ये शमशान स्टेशन पे घूम रहे हैं। थोड़ा सा पानी दो तो भाई, बड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा पीबो। हाँ दो ना, ज़्यादा ना पीबो, ज़्यादा पी लो। चलिए कोई ऑटो लेते हैं। हेलो गाइस, काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है कि हम लोग और आजमगढ़ आ चुके हैं, रेलवे स्टेशन क्रॉस किए हैं। और ये सैफ भाई मिला गए थे, इनको हम लोग ढूंढते ढूंढते जो है कि ये अलग परेशान रखे हैं, हालत ख़राब हो गया गाइस, क्या ही हो रहा। चलो चलो बैठो, फाइनली गाइस हम लोग को मिल गया है। रोडवेज बाबू, रोडवेज आइए आइए, रोडवेज। अरे यार रुक जाओ यार। तो फाइनली गाइस हम लोग बैठ चुके हैं ई रिक्शा में। बस खाली जाएगा बा, यहाँ से बस खाली के लिए हम लोग जाएंगे बस के लिए। चलिए वो ये छोड़ दीजिएगा, बस हमको वहीं जाना है, ठीक ना। अब ये कहूँ कि कप्तान की गाड़ी यहाँ से ना मिली, रोडवेज मिली, ब्रह्मस्थान से मिल सकती। फाइनली गाइज आ चुके हैं हम लोग आजमगढ़। और ये गाइज आपको दिख रहा है ई रिक्शा, तो काफ़ी अच्छा जगह पे इसको पार्क किया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। और ये आजमगढ़ के बस स्टैंड है, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से हर जगह के लिए बस मिल जाती है। तो चलिए गाइज जब आ चुके हैं हम लोग दरगाह के मेन दरवाजे पर और इसके अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। Thank you.
और ये जो गेट है गाइज, यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लेते हैं क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी लोग हैं नहीं। तो जैसे लोग आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। तो चलिए पहले फ्रेश व्रेश हो लेते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं आपको दिख रहे हैं तो इस तालाब के अंदर नहाने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि गाइज मैं भी नहाऊंगा बट उस टाइम का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अलाउड है नहीं। देखिए दोस्तों आगे चल रहे हैं हम लोग। बहुत सुंदर एक मस्जिद है और उसका मीनार देखिए बहुत खूबसूरत है नज़ारा मदीना शरीफ। और इधर ये गाइस पार्किंग है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको एक मस्जिद, प्यारा सा खूबसूरत है और जो उसका मीनार है जैसा कि नौशाद भाई बता रहे मदीना शरीफ के जैसा है। तो चलिए आगे मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइस माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए गाइस ये सब भाई इनका कोई जवाब नहीं है, ये जो है जा रहे हैं तो बैठ जा रहे हैं। थक गया, काफ़ी थक गया। चलो थक गए हैं, चलिए आइए चला जाए।